बीजेपी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव की 16वीं लिस्ट भी जारी कर दी है और इस सूची में उत्तर प्रदेश के 5 सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट मिल चुका है और वहीं जौनपुर जिले की मछली शहर लोकसभा सीट पर वीपी सरोज को प्रत्याशी घोषित किया गया है। दिनेश लाल यादव ने साफ साफ ये कहा कि वो यादव है, इसका ये मतलब नहीं है कि वे अखिलेश के भक्त हैं। उनके अनुसार हम यादव हैं इसलिए अखिलेश भक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। दिनेश लाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अखिलेश समर्थकों ने उन्हें खासा ट्रोल भी किया था। इसके बाद दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी से अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, ये मेरा सबसे, मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन है, सही डिसीजन है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिसके लिए चुनाव होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब यही है ना कि भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना जो है प्रतिनिधि चुने, और हर व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वो भारत का प्रतिनिधि बने। पर जो बाकी लोग हैं, आप उनको देख लो, वो आज भी उनके अंदर वंशवाद चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, पहले बाप फिर बेटा फिर उसका बेटा, ये कौन सा लोकतंत्र है? इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं।